किसी भी एंगल में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये एंगल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे या फिर। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं टेक्नो टीवी। और यहाँ पर आज मेरे पास एक गोरिल्ला पॉड है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, जो कि डिजिटेक की तरफ से आता है। एंड जैसे आप इसके बॉक्स की जो हालत आप देख सकते हैं, इसकी हालत बहुत ही बेकार है, ये डैमेज हुआ है बॉक्स, देखिए आप यहाँ से। एंड मुझे सेम ई कार्ड की तरफ से ऐसे ही डिलीवर हुआ है, एंड इसके अंदर मैंने कोई भी छेड़खानी नहीं की है। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ एंड मैं होप करता हूँ इसके अंदर मुझे कोई डैमेज वगैरह ना मिले, क्योंकि अभी जो इसके जो पहले वीडियो था, मैंने इसका एक स्प्लिटर मंगाया था तो वो मुझे पहले से डैमेज मिला, एंड उसके अंदर जो माइक है वर्क नहीं कर रहा था। तो उसकी जो वीडियो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। एंड चलिए इसको ओपन करते हैं एंड मैं होप करता हूँ इसमें मुझे कोई डैमेज वगैरह ना मिले। यहाँ पर आपको ढेर सारा बबल रैक मिलता है एंड इसके बगल में आपको प्रोडक्ट मिलता है। ये देखिए आपको बबल रैक साइड में मिलता है, ये नहीं कि प्रोडक्ट पर रैप रहेगा, ये आपको साइड में मिलता है जो कि थोड़ा अजीब है। एंड इसको पॉप करना काफ़ी सेटिस्फाइंग रहता है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिजिटेक की ब्रांडिंग मिलती है। एंड ये जो मॉडल नंबर है इसका है DTR 260 GT। एंड यहाँ पर आपको एक रिमोट मिलता है जो कि ब्लूटूथ से वर्क करता है, एंड आपको एक फ़ोन होल्डर मिलता है इसके अंदर। एंड बात करें इसे स्पेसिफिकेशन वगैरह की, तो इसका जो मैक्सिमम वेट लोड है 1 kg का है, एंड इसकी जो हाइट है 240 mm है, एंड इसकी जो फोल्डिंग हाइट है 260 mm है, एंड इसका जो वेट वगैरह है 149 किलोग्राम। एंड सबसे ऊपर आपको एक इसका मिलता है फ़ोन होल्डर, एंड इसकी जो क्वालिटी है अच्छी है प्राइस वाइज। एंड इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर। एंड इसके अंदर आपको एक रिमोट मिलता है जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए पावर ऑन हो चुका है। एंड यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं रिमोट के ऊपर, एक है कैमरा 360 iOS के लिए एंड आपको मिलता है एंड्रॉयड के लिए। तो अभी मैंने इसको प्रेस कर दिया है तो पेयरिंग मोड में आ गया है। एंड इसकी जो बैटरी वगैरह आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको कुछ इस तरह की बैटरी मिलती है। इसको मैं करता हूँ बंद एंड यहाँ से इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। मैंने इसको जैसे ही बॉक्स से निकाले पहले से ऑन था, बट यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है ऑन ऑफ करने के लिए, तो इसको मैं रखता साइड में। तो ये हमारा गोरिल्ला पॉड है। एंड बात करें बिल्ड क्वालिटी वगैरह की, तो फर्स्ट इंप्रेशन इसकी बिल्ड क्वालिटी प्राइस वाइज ठीक है, अराउंड 400 rupees में। एंड इसके अंदर आपको इस तरह के 3 legs मिलते हैं, एंड आप इसको किसी भी एंगल या फिर किसी डायरेक्शन में इसको आप होल्ड कर सकते हैं। एंड इसके ऊपर आपको एक क्लिप मिलता है, तो यहाँ पर अपने जो भी फ़ोन के माउंट है या फिर आप इसको यहाँ से इस तरह माउंट करेंगे कुछ। एंड जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर इजीली फिक्स कर लिया है, एंड आपको करना क्या है, आपको कुछ इस तरह इसको स्लाइड करना है। एंड ये देखिए पॉप का साउंड आया, मतलब यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गया है। एंड आपको इसको यहाँ से रिमूव करना है, तो इसको करना है प्रेस यहाँ से इजीली, एंड ये देखिए बहुत ही इजीली रिमूव हो जाता है। एंड अगर जब आप इसको इस तरह होल्ड करेंगे प्रेस पे, तो आपको एक आवाज़ आएगी, तो मतलब कि आपका जो है ये होल्ड हो चुका अच्छे से। एंड इसका जो हेड है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर सर्कल हेड मिलता है रोल में, तो इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी मतलब टाइट फील हो रहा है यूज़ करने के लिए, देखिए। एंड इसको आप अपने किसी भी एंगल में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं चलिए इसके अंदर अपना एक बार अपने फ़ोन को एडजस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो फ़ोन है वो है अराउंड 5.5 inches का, एंड इसके अंदर बहुत ही कंफर्टेबल देखिए होल्ड हो चुका है। एंड मैं आपको कुछ इस तरह दिखाता हूँ करके। एंड अगर आप एक व्लॉगर्स वगैरह भी हैं या फिर आपसे आपको एक व्लॉगिंग वगैरह भी करनी है, तो आप इसको बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। एंड गोरिल्ला पॉड की एक खास बात रहती है, आप इसको किसी भी एंगल में यूज़ करते हैं, किसी भी एंगल में, आपको दिखाता हूँ, तो आप इसको किसी भी एंगल में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये एंगल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे या फिर। अभी आपने देखा मेरा फ़ोन बहुत ही ईजिली इसके अंदर से निकल गया, ये देखिए बहुत ईजिली निकल गया। तो इसका जो क्लैंप है, इसकी जो क्वालिटी है होल्डर की इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको एक बाहर से परचेस करना होगा, जो कि मैंने परचेस किया था। एंड वो होल्डर की जो लिंक है मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, आप जाके वहाँ से इसको वीडियो भी देख सकते हैं एंड वो प्रोडक्ट को भी परचेस कर सकते हैं। तो वो जो क्लिप रहता है, होल्डर रहता है फ़ोन होल्डर, उसकी जो क्वालिटी है इसे काफ़ी अच्छी है। ये एक चीप सा है एंड इसके अंदर का फ़ोन बहुत ही ईजिली गिर जाता है। कभी कभी किसी किसी प्लेस में रिस्ट्रिक्शन वगैरह रहती है कि आप बड़े ट्राइपॉड वगैरह कैरी नहीं कर सकते, तो इस तरह के जो स्मॉल पॉड्स हैं आपको बहुत ही यूज़फुल होते हैं। एंड आप इसको किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं, आपको जो एंगल चाहिए रहेगा आप इसको किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं। यहाँ से अपना एक खुद का वीडियो भी निकाल सकते हैं, या फिर आपको अगर आपको टाइमलेस वगैरह निकालना है तो आप वो भी बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। एंड चलिए मैं इसको इसका जो ब्लूटूथ है वह इसको पेयर करता हूँ अपने फ़ोन से। यूज़फुल है काफ़ी सिचुएशन वगैरह में, अगर आपको उसमें सेल्फीज़ वगैरह लेनी है तो आप अपने फ़ोन को ट्राइपॉड से दूर रख के ये बटन की हेल्प से बहुत ही ईजिली सेल्फीज़ वगैरह ले सकते हैं।
एंड बात करते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट वगैरह की, तो ट्राइपॉड की क्वालिटी वगैरह है काफ़ी अच्छी है, अभी फर्स्ट इंप्रेशन तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी लॉन्ग टर्म यूज़ से कैसा रहेगा आपको मैं अपडेट कर दूंगा, अगर ये ख़राब वगैरह हुआ तो मैं इसको आपको एक अपडेट दे दूंगा वीडियो बना के, बट अभी के लिए इसका जो क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छा है। एंड इसमें आपको एक की मिलती है जो कि ब्लूटूथ कंट्रोल है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती काफ़ी सिचुएशन वगैरह में। एंड मैं होप करता हूँ आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो लाइक करें, एंड ऐसे कंटेंट फ्यूचर में देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड।